हेलो जी, मैं हूं बाबर मुश्ताक क्लेयर केटीवी तो। और अज असी आप पहुंचे हैं जी 105 बंगे पिंड भगत सिंह संधु साहब का। उत्थे जनाब असी अज आए हैं, तो मेरे जिन्हें भी सिंह बरादरी है, सिख बरादरी है, उन्होंने वास्ते स्पैशल वीडियो आ। पाकिस्तान च है जड़ांवाला दे नाल फैसलाबाद और जड़ांवाला दे दरम्यान 105 बंगे पिंड। राजा शहजाद साहब मेरे नाल ने, असं जनाब यूके तो आए, तशरीफ लाए हैं, यह देख रहे हो। और ज़्यादा बड़ी खुशी मैं ये हो रही है कि मैं वैसे पहले पता नहीं सी कि जिन्होंने हुण ये हवेली सांभी है, जिन्हों को ये हुण घर है भगत सिंह का, वो साढ़े अजीज ने, वो विरक ने। तुसीं ये बोर्ड भी देख रहे हो कि उन्हों का बड़ी मैं खुशी हुई इस गल की। बाग विरक साहब अंकल सन, उन्हों का बेटा साकब विरक साहब, इन्होंने हुण हवेली है जनाब ये सांभी हुई है। अगर कैमरा मैन मैं दिखा सके थोड़ा जिहा, मैं तुहानूं दस्सना चाहवांगा कि 28 सितंबर 1907 नूं ये पैदा हुए और 23 मार्च 1931 नूं। लेकिन जिहड़ी तारीख दस दीए, वो तारीख ये दस दीए कि 24 मार्च नूं इन्हां दी फांसी दा इन्हां नूं हुक्म होया सी, लेकिन प्रैशर इन्ना हो गया कि इन्हां नूं 23 मार्च नूं उन्होंने फांसी देनी पै गई। एक ASP उन्हां को इन्हां ने उन्हां दा कतल कीता सी, ते उहदे वास्ते इन्हां दी शहादत बाद च होई। मैं तुहानूं अगे लैके जाणा चाहवांगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ां ने जिहड़ियां मैं शेयर करना चाहवांगा कि जिन्नी मेरी पूरी दुनिया से कम्यूनिटी आ, सिंह कम्यूनिटी, उन्होंने मैं दिखाना चाहना। यह दरख्त है बेरी का, यह तुम देख सकते हो, मैं तुम दस सकता। देखो यह बेरी का दरख्त है जिहड़ा भगत सिंह साहब ने अपने हाथ नाल लगाया इस बेरी नूं। और कुछ मैं तबरक तुहाडे वास्ते खास तौर पर यूके वाले वास्ते लैके आ रहा हाँ। यह दरख्त तुहानूं दिखाना चाहना मैं जी, थोड़ा जिहा अगे आओ। यह दरख्त है बेरी का जड़ा उन्होंने अपने हाथी लाया, भगत सिंह साहब ने, शहीद साहब ने, उन्होंने अपने हाथी लाया। तुसीं देख सकते हो हिस्टरी। और देखो हरा भरा हले भी कितनी देर हो गई इस गल्लों, लेकिन अज भी तुसीं देख सकते हो कि ये अज भी मौजूद है, ये उन्होंने हाथ का ये लगा हुआ है। इस तो अलावा जिथे उन्होंने पैदाइश हुई है, जिहड़ी असल उन्होंने घर है, जिहड़ी जगह है, मैं तुहानूं वह भी दिखाना चाहवांगा। ए कमरा जनाब, ए कमरा तुसीं देख सकते हो कि पूरी हिस्टरी उन्होंने साकिब विरक साहब ने रखी हुई है। मेरे ख्याल शायद साड़ी अपनी सिंह कम्यूनिटी को भी इन्नी इन्नी हिस्टरी ना हो जिनी उन्होंने इस वक्त तुसीं देख रहे हो कि ए सारी देखो ऐसा भी हुई है। और एक्चुअली मैं जिक्र करना चाहवागा उन्होंने फादर किशन सिंह साहब, उन्होंने फादर सन भगत सिंह साहब की फोटो है, उन्होंने माता जी मदर उन्होंने फोटो है, इन्हों की भाभी जी दुर्गा भाभी जी, और बाकी बहुत सारिया तस्वीर तुसी अगर देखना चाहो तो तुसी देखो देख सकते हो बहुत सारा। यह कमरा अपनी असल हालत ये मौजूद है, असल हालत सिर्फ थोड़ी छत उन्होंने चेंज कीतिया ने, क्योंकि तुम्हें पता जरा देर हो जाए थोड़ा जहा चेंज करना पैदा, आपको पानी शानी बारिश के हवा देना। और यह कमरा वो है जिसे मैं लैके जा रहा, जिसे उन्होंने पैदाइश हुई। इस कमरे च भगत सिंह संधु साहब शहीद जड़े वो पैदा हुए, यह असल कमरा, असल दरबारा। और तुम देख रहे हो कि बहुत सारी हिस्टरी जी इस वक्त तुम नज़र आ रही है, इन्हों की फोटो जे आ रही है, दूसरे बैठे ने, देखो तुम देख सकते हो। बल्कि मैंने दस रहे सर साकिब भाई कि FIR की कापी भी उन्होंने इतने कितना लगाई हुई है जो उन्होंने केस होया। तो यह चरखा ये ओरिजिनल उन्होंने हालत है जी, बिल्कुल उन्होंने उन्होंने चरखा है, नाल चक्की से एक छोटी जी, वो भी अज अपनी असल हालत मौजूद आ। और मैं बड़ी खुशी हो रही है ये गल दस के कि मैं स्पैशली अपनी सिंह कम्यूनिटी वास्ते इतने तशरीफ लैके आया, और बड़ा माण आ मैनू। देखो एक मुसलमान होने के नाते असी हर मदर की कदर करते हैं, उसकी रिस्पैक्ट करते हैं। और जिमें कि सारे मैं जानते भी हो कि मैं हमेशा कोशिश की जोड़न की ना कि तोड़न की, और यदा सबूत तुम अज दे रहा कि पहले ननकाणा साहब भी 2 साल पहले मैं गया सी, और अज मैं देखो इतने भगत सिंह ने मैं बड़ा सी। और ज़्यादा खुशी जी हुई है मैं कि मेरे अजीज जड़े ने हुण इत्थे उन्हां को एक घर आ, और जिहड़े भी सिंह कम्यूनिटी मेरे भैन भरा बाबे चाचे जदों भी आना चाहन प्लीज़ मैनू कॉल करके जरूर आन, तुहाडी पूरी खिदमत करांगे, इत्थे तुहाडा अपना पाकिस्तान दूसरा घर आ। और बहुत खुशी हो रही है, तुसीं हिस्टरी सारी देख रहे हो, असल हालत च कमरा जिथे उन्हां दी पैदाइश हुई, और यह चीज़ा तुम दसिया ने कि बिल्कुल असर नहीं आ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਲੀ ਗਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਣ 105 ਰੇਬੇ ਬੰਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹਮਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ